त्याग की परिभाषा को यदि बारीकी से किसी ने समझा है तो वह है एक औरत। वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, किसी भी धर्म एवं मजहब को मानती हो, लेकिन त्याग का धर्म उसे बचपन से ही सिखा दिया जाता है। शायद उसके खून के एक एक कण में त्याग नाम का शब्द बस चुका होता है। तभी तो जन्म से लेकर मरण तक हर पल अपनी खुशियों एवं तमन्नाओं का त्याग करना सीखा है नारी ने। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में नजर घुमाइए, आप देखेंगे कई रीति रिवाज जरूर मिल जाएंगे जिसमें त्याग का बीड़ा एक स्त्री को उठाना ही पड़ता है। कई बार तो इस त्याग का प्रभाव इतना गहरा होता है कि बेचारी उस महिला को यह पूछने का भी मौका नहीं दिया जाता कि ऐसा उसके साथ हो क्यों रहा है भाई। संस्कृतियों एवं रिवाजों में बंधी यह महिलाएं बस त्याग करना सीखती हैं। पति की मृत्यु के बाद खुद का त्याग कर देना भी एक ऐसा तथ्य है जो महिलाओं के लिए अभिशाप बनकर रह गया है। वर्षों पहले हिंदू इतिहास ने सती प्रथा जैसी घटनाओं को अपने किताब के पन्नों में जगह दी। यह एक ऐसी क्रूर प्रथा थी जिसकी कल्पना भी कोई स्त्री नहीं करना चाहती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव से जुड़ी है यह प्रथा। महाभारत के राजा पांडु की पत्नी माद्री ने भी उनके साथ सती होने का निश्चय किया था। शायद यही कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसने सती प्रथा को भारतीय सिद्धांतों में पनाह दी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे यह प्रथा विलुप्त हो गई। हालांकि आज की विधवा महिलाओं को भी कुछ ऐसे नियम कायदों का पालन करना पड़ता है जो उसके लिए पांव में बंधी बेड़ियों के बराबर है। केवल पति की मृत्यु का शोक ही उसके लिए काफी नहीं होता, उसके बाद उसका अकेलापन अन्य कट्टर रिवाजों से बंधकर उसे पल पल मारता है। और इसी घुटन में वह स्त्री सोचती है कि काश इससे अच्छा तो वह अपने पति के साथ ही सती हो जाती। एक विधवा के लिए हिंदू मान्यताओं में खास नियम बनाए गए हैं। उसे दुनिया भर के रंगों को त्याग कर सफेद साड़ी पहननी पड़ती है। वह किसी भी प्रकार के आभूषण एवं श्रृंगार नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, जो लोग कट्टर तरीके से नियमों का पालन करते हैं वे विधवाएं तो शाम को सूरज ढलने के बाद अनाज का एक निवाला भी निगलना नहीं चाहती। इसका तो यही अर्थ हुआ कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य कर ही नहीं सकती। उन्हें आखिरी श्वास तक भगवान को याद करके अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करने को मजबूर किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज के आधुनिक युग में यह सब कहां होता है और लाइमलाइट वर्ल्ड तुम बकवास कर रहे हो। आजकल तो पति की मृत्यु के कुछ समय के पश्चात महिलाएं दूसरा विवाह करके अपना आगे का जीवन सुखपूर्वक चलाने की कोशिश करती हैं। परंतु सच मानिए, आज भी देश के कई हिस्सों में एक विधवा को बोझ मानकर घर के एक कोने में फेंक दिया जाता है। उसका जीवन पति के मरने के बाद व्यर्थ है, ऐसा उसे बार बार महसूस कराया जाता है। पर क्यों, एक विधवा से उसके अधिकार, उसके रंग एवं श्रृंगार को छीन लेने का क्या अर्थ है? क्या हमारे शास्त्र हमें इस बात की सलाह देते हैं? नहीं, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वेदों में एक विधवा को सभी अधिकार देने एवं दूसरा विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है। वेदों में दिए गए एक कथन का मैं आपको सरलार्थ बताऊंगा जिसमें यह कहा गया है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। उस स्त्री को पूरा अधिकार है कि वह आगे बढ़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह करके अपना जीवन सफल बनाए। लेकिन हमारा समाज इस बात को नहीं मानता। सामाजिक नियमों के अनुसार पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रंगीन वस्त्र नहीं पहन सकती, कोई श्रृंगार नहीं कर सकती, किसी प्रकार के आभूषण धारण नहीं कर सकती, बल्कि वह स्त्री उन सभी नियमों के साथ बंध जाती है जो उसे विधवा धर्म सिखाते हैं। पति के जीवित होते हुए जिस प्रकार से वह खुद को सुंदर बनाकर रखती थी, उसके जाने के बाद उसे उससे भी ज्यादा खुद को बदसूरत बनाने के लिए कहा जाता है। कुछ संस्कारों में तो एक विधवा का मुंडन भी किया जाता है। ऐसा करने के पीछे कई सारे सामाजिक एवं वैज्ञानिक कारण दिए जाते हैं। कहते हैं कि एक इंसान जितना साधारण होगा, कम आकर्षक होगा, उतना ही लोग उस पर कम ध्यान देंगे, और एक विधवा को सबकी नजरों से, खास तौर से पराए मर्द की नजरों से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। क्योंकि पति की मृत्यु के बाद इस समाज में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कम से कम तब तक नहीं जब तक वह पुनः विवाह नहीं कर लेती। इसलिए उसे सफेद साड़ी एवं बिना किसी श्रृंगार के रहने की सलाह दी जाती है। एक नारी का श्रृंगार उसे चंचल बनाता है, यह उसकी सुंदरता ही तो है जिसकी बदौलत एक पुरुष उसकी ओर आकर्षित होता है।
लेकिन एक विधवा को सबकी निगाहों से छिपकर रहना होता है। यह शायद हमारे समाज की मानसिकता ही है कि यदि कोई स्त्री रंग बिरंगे कपड़े पहने खड़ी होगी तो उससे ज्यादा लोग देखेंगे। लेकिन कोई असुंदर एवं बेहद कम आकर्षक महिला पास से गुजरे तो लोग उसे देखना भी नहीं चाहते। लेकिन पश्चिमी देशों में ऐसा कभी नहीं होता। वहां की मानसिकता एवं भारतीयों की मानसिकता में काफी अंतर है। यह सच है कि हमारे द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के रंग हमारे चरित्र पर एक गहरा असर करते हैं। लाल रंग हमें भड़काऊ बनाता है तो नीला रंग सकारात्मक दृष्टि प्रदान करता है। हरा रंग मानसिक संतुलन देता है तो सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। शायद यही कारण है कि एक विधवा को सफेद रंग पहनने की सलाह दी जाती है ताकि वह दुख के इस समय में खुद को शांत रखने की कोशिश कर सके। साथ ही इस शांत व्यवहार से वह विधवा प्रभु में अपना ध्यान भी आसानी से लगा सकती है। कपड़ों के अलावा एक विधवा के खान पान के तरीके में भी बड़ा बदलाव किया जाता है। शास्त्रों की माने तो एक विधवा स्त्री को बिना लहसुन प्याज वाला भोजन करना चाहिए और वह साथ ही उन्हें मसूर की दाल, मूली एवं गाजर से भी परहेज रखना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके लिए भोजन में मांस मछली परोसना घोर अपमान व पाप के समान है। उनका खाना पूरी तरह सात्विक होना चाहिए और शाम को सूरज ढलने के बाद वह पानी के अलावा कुछ ग्रहण नहीं कर सकती। यह कड़े नियम आज देश के सभी तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सों में विधवा के लिए एक अभिशाप के समान कायम है, जिससे वह उबरना चाहती हैं और अपने जीवन का एक मकसद ढूंढना चाहती हैं। परंतु शास्त्रों एवं धर्म के नाम पर यह समाज एक विधवा को आजादी की उड़ान शायद ही कभी भरने दे। देखिए, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आपके एरिया में किसी भी ऐसे लोकेलिटी में या आपके किसी दूर रिश्तेदार में किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा घोर अन्याय होता है तो आप उसका पुरजोर विरोध करिए। अपने तर्कों के आधार पर उन्हें एक नया जीवन देने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।